मैं मेट्रो स्टेशन तो पहुंच गया और ये मेरे घर से ज़्यादा नहीं 5 मिनट की दूरी पर ही बना हुआ है। और जैसा कि आप सब तो देख रहे हैं कि ये सीढ़ी गई हुई है और मैंने कभी टिकट तो निकाला नहीं, मैंने हमेशा खाली मुंबई लोकल का ही ट्रैवलिंग किया हुआ है। तो फिर इसका कुछ आइडिया नहीं है कि टिकट कैसे क्या है। मैं फ्रेंड लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे टोकन मिलता है एंड देन टोकन से ट्रैवलिंग किया जाता है सब। तो अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जरा देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये टिकट काउंटर, अब जाते जरा यहाँ पे टिकट का देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। टिकट तो मैंने निकाल लिया, खाली एक स्टेशन का यहाँ पे मेट्रो का 10 रुपया है। और जहाँ तक अगर मैं यही लोकल से अगर ट्रेवलिंग किया होता तो इसका तकरीबन ज़्यादा नहीं 5 रुपये का टिकट लगा होता। जैसा कि मैं आप सबको तो अपना टोकन दिखा दिया, टिकट दिखा दूँ, आप सब देख पा रहे हो, यही टोकन था। और चेकिंग भी हो चुका है तो उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाने को बोला है। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाके देखते हैं क्या सीन है आगे का। कुछ भी हो यार, लेकिन प्लेटफॉर्म बनाया बहुत अच्छा है। स्टेशन एक्चुअली प्लेटफॉर्म नहीं, स्टेशन अभी मैं प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ। तो यहाँ से अभी उन्होंने बोला कि ऊपर जाना है मुझे प्लेटफॉर्म पे। हाँ पे एस्केलेटर की भी सुविधा दी हुई है भाई, लेकिन वही है कि फर्स्ट टाइम अगर कहीं पे जाओ तो वहाँ पे कुछ पता तो रहता नहीं है, सीढ़ियाँ ही चढ़ना पड़ रहा है मुझे हर जगह खाली। तो चलिए देखते हैं यार, अभी तक तो ट्रेन आई नहीं। टिकट का उन्होंने बताया कि ये टिकट खाली 1 घंटे तक वैलिड रहेगा, तो मुझे 1 घंटे के अंदर यहाँ पे मेट्रो में ट्रेवल करना पड़ेगा। ये मेट्रो स्टेशन जो भी बना है यहाँ पे, एक्चुअली मैं वेस्ट में हूँ, तो ये मेट्रो स्टेशन जो है ये हमारे ये लिंक रोड पे ही बना हुआ है। और ईस्ट में जो मेट्रो स्टेशन है, जो भी मेट्रो गई हुई है वो एक्चुअली हाईवे के ऊपर से गई हुई है, यही डिफरेंस है। और ये जाके ईस्ट और वेस्ट का जो मेट्रो है ये जाके कहाँ पे, दहीसर, हाँ दहीसर में जाके मतलब वहाँ पे इनका एक अलग एक ही लाइन हो जाता है वहाँ पे। फिर वहाँ से अगर हमें कहीं ईस्ट में जाना हो, वेस्ट से अगर ईस्ट में जाना हो तो हमें पहले दहीसर जाना पड़ेगा, फिर दहीसर से हमें चेंज करके फिर हमें ईस्ट के लिए हम मेट्रो ले सकते हैं। यही है भाई आज का यहाँ पे। अभी देखते हैं, अभी जब ट्रेन आती है तो फिर ट्रेन के अंदर का मतलब मेट्रो आती है तो उसके अंदर का मैं दिखाता हूँ फिर आपको। वैसे इस टाइम तो मेट्रो बहुत खाली है, बहुत ज़्यादा ही खाली है एक्चुअली, बहुत गिने चुने लोग ही दिख रहे हैं यहाँ पे। शायद अभी इस टाइम सब कोई ट्रैवलिंग करता है कि नहीं करता है, या फिर तो सुबह के टाइम पे भी ऐसा खाली रहता हो तो कुछ पता नहीं है। अभी आपको तो ट्रैवलिंग चालू हो चुकी है मेट्रो की, और यहाँ पे मेट्रो मेरे चालू भी हो चुकी है। और मैं अपने इस स्टेशन का, मैंने खाली एक ही स्टेशन का टिकट निकाला हुआ है और मैं बोरीवली जा रहा हूँ। तो देखते हैं यार, अच्छा है, पिकअप भी अच्छा है हमारे, एकदम लोकल जैसा ही है पिकअप इसका, लेकिन अच्छा है, मज़ा भी आ रहा है। खाली काफ़ी खाली खाली है तो ये भी ज़्यादा और अच्छा लग रहा है। और कूलिंग सिस्टम भी अच्छा खासा ही है, ऐसा नहीं है कि भाई कि कुछ बेकार कूलिंग हो, ये कूलिंग भी अच्छी खासी है। कुछ भी बोलो भाई, पहली बार आया हूँ मेट्रो में। दिल्ली ऐसे पर तो बहुत सुना था कि वहाँ पे मेट्रो होते हैं, ये है वो, मतलब अच्छा है, लेकिन भाई कुछ भी हो मेट्रो तो चीज़ अच्छी बनाया है गवर्नमेंट ने, और पब्लिक को इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। देखते हैं फिर आगे। लगता शायद मेरा स्टेशन बोरियल यार, बड़ा जल्दी आ गया। चलिए निकलना ही पड़ेगा, कुछ आइडिया तो है नहीं, बाहर जाके फिर पूछता हूँ। अगर ये बोरीवली स्टेशन का मतलब कार नहीं रहेगा तो फिर वापस एंट्री मार दूंगा, अदरवाइज रहेगा तो फिर निकलना ही पड़ेगा। देखते हैं। भाई साहब फिर आके वापस बैठ जाना पड़ा क्योंकि अभी तक बोरीवली स्टेशन आया नहीं है। मैं बाहर जल्दी, मुझे पता नहीं था बाहर निकल गया मैं एक्चुअली। अभी एक स्टॉप और आएगा एंड उसके बाद तब जहाँ पे मुझे उतरना रहेगा वो स्टॉप आएगा।
अच्छे थे मैम ने जानकारी भी जल्दी दे दिया भाई। ये बढ़िया है, होना भी चाहिए ऐसा, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा बहुत ऐसा तो झमेला झेलना ही पड़ेगा। अनाउंसमेंट तो हो चुका है भैया कि जिस स्टेशन में बोरी वाली, हाँ बोरी रेलवे स्टेशन आ गया है, अब तो उतरना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद वहाँ से जाऊँगा, अभी थोड़ा मुझे काम है, मुझे एक जगह जाना है, वहाँ पर थोड़ा पता करना है। उसके बाद से फिर आऊंगा तो भैया फिर मेट्रो लूंगा यार, मेट्रो पसंद आ गया। अब से ट्रैवलिंग जो भी होगा भाई मेट्रो से होगा। चलिए उठते हैं भाई, उठना ही पड़ेगा अभी, आ गया नहीं तो फिर उससे ज़्यादा आगे गया तो भाई चार्ज मार लूंगी, और उतना भाई पेनाल्टी देने का अपने पास तो पैसा है नहीं। तो बढ़िया है, पे अगर देखा जाए तो भाई भीड़ बहुत कम, मतलब भीड़ के नाम पे है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि खाली जैसे मेरे मैं जैसा हूँ कि भाई पता करने आया हूँ, वैसे यहाँ पे भी लग रहा है कि उनसे पता ही करने आया है सब कि हाँ कैसा क्या है। भाई यहाँ का तो रूल तो अलग ही है, पहले क्या था कि हम अगर इसे लोकल में ट्रैवलिंग कर रहे तो टिकट लिए आराम से निकल जाते थे स्टेशन के बाहर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अभी आपको पहले जाना पड़ेगा। अभी जैसे मेरा यहाँ पे ट्रैवलिंग खत्म हो गया टिकट का, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा टिकट काउंटर पे, वहाँ पे पंच कराना पड़ेगा एंड देन उसके बाद ही मैं स्टेशन लीव कर सकता हूँ। बढ़िया है, आ गया भाई यहाँ पे टिकट पंच कराने, देखते हैं इनसे बात करते क्या बताते हैं ये भाई। एक्चुअली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, टिकट पंच यहाँ पे करना पड़ेगा, चलो खुल गया, यहाँ पे टिकट पंच होता है तो यहाँ से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। ये आ गया एग्जिट गेट, अब यहाँ से मुझे बाहर निकलना है भाई। लेकिन कुछ भी हो यार, बिहेवियर तो अच्छा था इन लोग का, चाहे फर्स्ट टाइम हो चाहे जैसा भी हो, लेकिन भाई यहाँ पे जो भी काम कर रहे स्टाफ जो भी है भाई बिहेवियर बहुत अच्छा है। इसलिए अभी बाहर आ गया मैं, और फिर से सीढ़ियाँ भाई, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, हद है यार, मैं कहाँ पे हूँ यार, डॉन बॉस्को में आ गया, स्टेशन रोड जाना है मुझे। ए राम कहाँ जाऊँ, हद है यार, ऐसा ना हो कि मेट्रो मेरे लिए तकलीफदायक हो जाए, अगली बार से मुझे बस की ट्रेवलिंग करनी पड़े, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ से पहले मैं पूछूँ कि भाई यहाँ पे कहाँ कैसे क्या करूँ। हेलो भैया, एक मिनट बात सुनो ना यार, भाई सही सही जगह पे उतरा यार, गलत जगह पे तो नहीं उतरा हूँ, चलिए अच्छा है अभी जा। लेकिन भाई कुछ भी बोलो यार, कमाल धूप है भाई, कमाल धूप है, इसके बारे में मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, इतनी कमाल धूप है। हे भगवान, अब यहाँ पे मुझे कितना दूर चलना पड़ेगा, क्या चलना पड़ेगा, वो मुझे वो भी नहीं पता, लगता है मुझे गूगल मैप का सहारा लेना पड़ेगा मुझे जहाँ पे जाना है। अब बात है यार, मुंबई में रह के भी मुझे पूरी जानकारी यहाँ पे नहीं है, जबकि मेरे जिस जहाँ पे मैं रहता हूँ उससे बस एक स्टेशन की दूरी पे ही एरिया है। ये भाई 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 मार देगा भाई, जरा एक और अंकल से यहाँ से पूछो भाई, ये तो जहाँ पे जाना था अंकल से पूछा, अंकल तो बोलते हैं कि भाई ये तो वो जगह बंद हो चुकी है वो शॉप। चलिए एक बार जाके पता तो करना ही पड़ेगा। एक्चुअली मैं जिस रोड पे अभी चल रहा हूँ, ये रोड जो है ये सीधा बोरीवली स्टेशन जाता है, तो अगर ना कुछ हुआ भाई पैदल चलते चलते निकल जाएंगे बोरीवली स्टेशन। अगर यहाँ पे देखूंगा अगर मन करेगा तो फिर यहाँ पे मेट्रो स्टेशन किधर आऊंगा, अदरवाइज नहीं तो फिर वहीं से या तो बस पकड़ लूंगा या फिर नहीं तो भाई अपना लोकल तो जिंदाबाद है ही भाई, मुंबई के तो रानी है वो। चलिए देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, वैसे थोड़ा भगवान ने कृपा किया हुआ है भाई कि थोड़ा छांव हो गया बादल की वजह से। भाई ये किस शॉप के बारे में मैं पता करने आ गया हूँ यार, यहाँ पे तो नॉर्मल जो पब्लिक रहती है उनके उनसे भी पूछ रहा हूँ, तो एक तो बता दिए कि
बंद हो गई है। बाकी यहाँ पे तो किसी जिससे भी मैं पूछ रहा हूँ सब यही चीज बोल रहे हैं कि भाई वो शॉप बंद है। वो शॉप एक्चुअली बंद नहीं है, बंद हो चुकी है। वहाँ पे जो भी भाई उनके ओनर थे चाहे जो भी हो, वो छोड़ के जा चुके हैं वहाँ से। भाई ऐसा ना हो कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाए यार। ऐसा मुंबई में अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी तगड़ी धूप हो गई, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मुंबई में नहीं अभी मैं यूपी में रहने आ गया हूँ। क्योंकि इतनी तगड़ी धूप और भाई इतनी जितनी गर्मी इस टाइम पड़ रही है ना, ये ऐसा लग रहा है कि अभी ये मुंबई यूपी की जगह तो नहीं ले रहा है क्या, नहीं यार क्यों। लेकिन इस बार तो अभी मई भी स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर भी हद गर्मी पड़ रही है यार, कमाल गर्मी पड़ रही है। ताजुब की बात तो एक ये है भाई कि जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ यहाँ पे यार एक भी मेरे को अभी तक दुकान नहीं दिखी है कि जहाँ पे मैं कम से कम भाई तो पानी खरीद पानी तो पी सकूँ यार। गला सूखा जा रहा है मेरा, हे राम हद यार। आज रह रह के बात एक अच्छी ये हो रही है कि छाँव हो जा रहा है भाई, ये बदरी हो जा रही है ना, इसकी वजह से थोड़ा अच्छा लग रहा है कि थोड़ा इतना मैं चल पा रहा हूँ। लेकिन भाई उसके बाद जो धूप कड़क हो जा रही है ना कि वो पूरा बराबर कर दे रही है। इतना छाँव का मजा लेके बदरी का मैं थोड़ा चल रहा हूँ, पूरा एक ही बार में धूप आके 2 मिनट में पूरा बराबर कर दे रही है। हे भगवान भाई साहब, चलते चलते तो मैं बोरीवली स्टेशन पहुंच गया और तो लगता है वो अंकल ने जो बोला था ना कि वो सही बोला था कि एक्चुअली दुकान बंद हो चुका है। थक भी गया यार, कमाल की धूप भी लग चुकी है, ऐसा लग रहा है कि बीमार ना पड़ जाए। भैया तो यार चलते चलते बोरीवली स्टेशन तक मैं आ गया। मैं जो नॉर्मल ये क्या बोलते हैं मेट्रो वाला नहीं, ये लोकल ट्रेन वाला है सब, जहाँ पे एक्सप्रेस आती है फिर लोकल ट्रेन वाला जो स्टेशन है वहाँ पे चल के आ गया। फाइनली जिस काम के लिए तो बाहर निकला था आया था वो शॉप के लिए, घर पे काम था उसे सामान लेना था। एक्चुअली हमारा मतलब पुराना हम उससे कस्टमर थे लेकिन वो ध्यान नहीं आया और वो बंद भी हो गया और उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पाया था क्योंकि वो कोरोना के बाद से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया और शायद वो कोरोना के वजह से ही वो बंद कर दिए थे। तो कोई ना, दूसरा काम भी अपना कर निपटा ही लेता हूँ, इसी बार नहीं आया हूँ यहाँ पे तो। और सोच रहा हूँ यहाँ से फिर निकल जाऊँ मेट्रो स्टेशन, फिर वहां से मेट्रो एक बार पकड़ूंगा और सीधा घर। अब बहुत ज्यादा थक गया, एकदम टायर्ड हो चुका हूँ, हद है, इतना बर्दाश्त अब नहीं हो रहा, इतना पैर दुख रहा क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा चला, कम से कम मैं 3 किलोमीटर से ज्यादा तो मैं पैदल चल चुका हूँ भाई इस धूप में। अब यहाँ पे आ गया, वो अपना काम निकालू उसके बाद फिर निकलता हूँ मैं। फाइनली जिस काम के लिए आया था वो काम तो मेरा हो गया, अब निकल रहा हूँ मैं सीधा क्या बोलते हैं दहीसर स्टेशन के लिए। अगर देख रहा हूँ अगर मुझे यहाँ से प्रॉपर बस मिल जाती है तो मैं सीधा दहीसर स्टेशन निकल जाऊँगा और जरा आज वहाँ का भी मैं मेट्रो स्टेशन देख लूँगा, उसके बाद तो सीधा घर पे। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि मेरी बैटरी जो है फ़ोन की वो 10% हो गई और फ़ोन मेरा है बहुत पुराना, तो कहा नहीं जा सकता कि ये बैटरी मेरी कब तक चलेगी। यही अब सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अब वहाँ दहीसर स्टेशन पहुँचूँ। अभी मैं बोरीवली स्टेशन के आसपास के एरिया में ही हूँ और अब यहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बस मिले, अब मैं निकलूँ सीधा दहीसर स्टेशन, तो वहाँ से फिर मैं निकल जाऊँगा मेट्रो पकड़ के सीधा भाई घर। भगवान है, यहाँ से भी बस की फैसिलिटी यहाँ पे डायरेक्ट वो भी मेरे घर तक ही है, यहाँ से बस भी मुझे मिल जाएगा। बट क्या क्या थोड़ा मेट्रो मुझे ज़्यादा पसंद आ गया और आज का ब्लॉग भी जो मैंने बना रहा हूँ कि वो थोड़ा मेट्रो स्टेशन को ही लेके था, मेट्रो स्टेशन और मेट्रो अपना जो भी है उसको लेकर ही था, तो थोड़ा उसको और मैं दिखा देता और थोड़ा मैं भी देख लूँगा आज, मुझे बहुत अच्छा भी लगा मेट्रो में घूमते हुए। तो अब जा रहा हूँ बस को देखने और वहाँ से फिर घूमना फिर दहीसर स्टेशन के लिए। फाइनली मुझे बस मिल गई और मुझे बस का बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा था, जैसे मैं बस स्टॉप पे गया वैसे ही 1 मिनट में लगा बस आ गई। जा रहा हूँ सीधा दहीसर स्टेशन और वहाँ से फिर जाऊँगा मेट्रो स्टेशन और वहाँ से फिर भाई अपना सीधा मेट्रो पकड़ूंगा और घर। थक गया यार, दिन था मेरा इतना गंदा दिन तो अभी आज तक मेरा कभी नहीं गया, अभी धूप इतना मैं चला हूँ। भगवान फाइनली मेट्रो स्टेशन तो मैं पहुँच गया और ये मेट्रो स्टेशन एक्चुअली दहीसर ईस्ट में है और जो स्टेशन है जहाँ से मतलब हमारे एक्सप्रेस ट्रेन ये सब आते जाते रहते हैं वहाँ से तकरीबन ये हाईवे पे एक्चुअली बना हुआ है, तो उस वहाँ से अगर हम आना चाहें तो कम से कम नहीं तो हमें 10 मिनट चलना पड़ेगा तब जाके ये मेट्रो स्टेशन है। जा रहा हूँ भाई टिकट काउंटर।
वहां से टिकट लूंगा और निकलूंगा सीधा भाई पास। आ गया भाई टिकट काउंटर। अभी मुझे वापस अब अपने साइड अगर जाना है तो मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना पड़ेगा, तब जाके मैं अपने साइड की मेट्रो पकड़ पाऊंगा एंड उसके बाद तब मैं जिस स्टेशन पे मुझे जाना है वहां पे मैं पहुंच पाऊंगा। हाँ भाई अभी भी यार क्या बात है यार, एस्केलेटर कहाँ है? हाँ वहाँ पे यार जा रहा हूँ एस्केलेटर पे भाई, क्योंकि अब सीढ़ियाँ चढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं है, जाऊंगा उसके बाद तो भाई भगवान से मना रहूँ कि जल्दी मेट्रो आए बैठूँ, उसके बाद भाई सीधा रवाना। अब जाकर भाई सुकून मिला यार, क्या कुछ भी हो, बाहर इतनी गर्मी थी ना, अंदर कम से कम एसी मिला तो ठंडक मिली ना, तो थोड़ा जाके अब दिमाग थोड़ा काम करना चालू किया है। वैसे सुबह के मुकाबले इस टाइम मैंने देखा कि मेट्रो में पब्लिक ज्यादा है, सुबह तो 2-4 लोग दिख गए थे, लेकिन इस टाइम पब्लिक एक्चुअली दिख रही है। धीरे धीरे ऐसे क्रेज बढ़ता जाएगा, क्या है कि थोड़ा अगर मेट्रो का क्रेज थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा तो क्या है कि मुंबई लोकल का जो लोड है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बस एक स्टेशन और उसके बाद भाई अपना स्टेशन आ जाएगा उतरो, फिर बाद को भाई घर पे, घर पे जाकर भाई फ्रेश होने भाई नहाऊंगा, उसके बाद तो भाई खाना खाऊंगा, उसके बाद तो भाई साहब कम से कम नहीं तो 3 से 4 घंटा तो सोना ही पड़ेगा। उसके बाद तब ये वीडियो थोड़ा एडिट करूंगा एंड देन तब उसके बाद भाई अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। भाई टोकन स्कैन करा लिया, अब निकल रहा हूँ स्टेशन के बाहर और चल रहा हूँ अपने घर की ओर। आज का ब्लॉग भाई बस इतना ही, बस थक गया यार बहुत ज़्यादा, मैं थक चुका हूँ आज। तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, जैसा भी कुछ रहा होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।